Good morning, students. Today, Thursday, date 13 May 2021, class 5th, chapter number 3, computer. हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है हमने उसके बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद आता है टाइप्स. उसके टाइप्स कितने हैं? दो तरह से उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दीज आर कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर. इसे पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है और कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है. सिंगल सॉफ्टवेयर कैन बी अप्लाइड टू ए वाइड वराइटी ऑफ टास्क. कहते हैं एक सिंगल मतलब अकेला सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टास्क में. बाय यूजिंग सच सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर अगर हम यूज करते हैं, अ यूजर कैन फुलफिल हिज और हर जनरल नीड्स. जनरल मतलब होता है आम. कहने का मतलब क्या है, ये जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए है. इसे हम इस सॉफ्टवेयर को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज कर सकता है. इस सॉफ्टवेयर को हम कोई भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं. ये अगर यूजर कौन होता है, यूज करने वाला. फुलफिल हिज और हर जर्नल नीड, नीड की जरूरतें, अपनी जो आम जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए ये जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं, एमएस ऑफिस, कॉरल ड्रो, अडोब इन डिजाइन, CS5, अडोब फोटोशॉप एक्सेट्रा. ये सब क्या है, जनरल पर्पस, आम लोग इसको यूज करते हैं. ठीक है, आगे आता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेशल स्पेसिफिक टास्क. ये सॉफ्टवेयर किस लिए बना हुआ है, स्पेशल काम करने के लिए बना हुआ है, इसलिए इसको स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. इस सॉफ्टवेयर को किस लिए बनाया गया है, ताकि हम जो स्पेशल टास्क को, स्पेशल काम को हम काम कर सके. इसे कस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है, ओनली वन टास्क, सिर्फ एक टास्क हमारे सामने, एक ही काम करता है जो हमने उसको डिजाइन, इसलिए उसको डिजाइन किया गया है ताकि ये स्पेशल वर्क कर सके. इसलिए कस्टमर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है. कस्टमर सॉफ्टवेयर फॉर द टास्क ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर होता है किस लिए, इसलिए यूज करते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अंदर ये कस्टम सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. बट वो जनरल है, उसे आम लोग, हर कोई पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता है. मे बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू डिवेलप. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसको बहुत टाइम लगता है बनाने में. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब मान लो जैसे कोई कंपनी है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि उसके अंदर हमें इतने गुड्स पड़े, मतलब हमारी जो कंपनी उसके अंदर इतना सामान पड़ा है, इतना बिक चुका है, इतने आज के दिन में इतनी कमाई हुई, जो कि बड़ी बड़ी इतना स्टॉक अवेलेबल है, हमें अब और कितना ऑर्डर परचेज करना है, ये सारी चीजें इन्वेंटरी कंट्रोल में आती है. और ये सॉफ्टवेयर सारा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम गिनती करें 1 2 3 4 हाँ इतना पड़ा है. ये कंप्यूटर कस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी उनके अंदर जो उनका स्टॉक होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, जिसे आम इंसान इजिली सिंपल वे में काउंट नहीं कर सकता. तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, अपने जो बिल्स हैं, बिल्स बनाते हो आप कि दिन में कितने बिल हमने दिए, कितनी हमें कमाई हुई या कितना कोई लॉस हुआ, सब डिटेल ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके हमारे सामने दिखा देता है. और किस लिए होता है, सॉफ्टवेयर टू मेंटेन बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, कितने अनगिनत लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, उनके पैसों जो उनके अकाउंट होते हैं, उनके पैसे होते हैं, कितने उन्होंने जमा करवाए, कितने उन्होंने निकलवाए हैं, इतने लोगों की डिटेल रखना
एक आम इंसान के लिए तो डिफिकल्ट है, तो कस्टम सॉफ्टवेयर ही है, इतनी सारी डिटेल संभाल कर रखता है या मेंटेन करके रखता है पूरा। अब इसमें ह्यूमन बींग को कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ा होती है, इतने इसने इतने पैसे निकलवाए अब इसके कितने बच गए। जो कंप्यूटर है हमारे सामने क्या है, पूरा बैलेंस निकाल देता है, हाँ अभी इतने बच गए हैं, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंप्यूटर अपना जो उसका सॉफ्टवेयर है वो कर देता है। एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एयरलाइन बुकिंग सिस्टम एक्सेट्रा, और ये सॉफ्टवेयर हम और भी किसी भी पर्पज के लिए, अगर होटल बुक करना है या एयरलाइन एयर टिकट्स बुक करनी है उसके अंदर, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता अगर आपने एयरलाइन टिकट बुक करवाई है बट अगर बाय एयर नहीं गए हो, उस एयरलाइन टिकट को आप होटल के रूम बुक करवाने में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हर किसी पर्पज के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हर किसी पर्पज के लिए। होटल वाला कितना बड़ा होटल होता है, उसमें कितने रूम्स होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करें, कहते हैं जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है ये डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसे कोई भी यूज करता है, हम किसी भी क्षेत्र में इसको यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिक में क्या है, इसको हम डेली यूज तो करते हैं बट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही इसको यूज करती है, बड़े बड़े कंपनीज जिनका बहुत बड़ा काम होता है वही इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और इसके अंदर हमें ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए जो पर्सन इस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ये जनरल पर्पज तो इसको कोई मर्जी ऑपरेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये थोड़ा रिस्की काम होता है, इसके लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए, जो ट्रेंड पर्सन जिसको अच्छे से ऑपरेट करना आता हो, जिसको अच्छे से चलाना आता हो, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आगे आगे डिफरेंस आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।